चले बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है। ओमेक्स सोसाइटी मामले में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। नोएडा ओमेक्स सोसाइटी मामले में अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। ओमेक्स सोसाइटी मामले में सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। कल भी हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई। ओमेक्स सोसाइटी मामले में जो सियासत है लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। तो सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। ओमेक्स सोसाइटी मामले में अब जो सियासत है तेज होती हुई नजर आ रही है। तो श्रीकांत त्यागी मामले में लगातार जो सियासत है अब तेज होती हुई नजर आ रही है। ओमेक्स सोसाइटी मामले में जो सियासत है अब तेज होती हुई नजर आ रही है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे पर कल तोड़फोड़ की गई। तो उसी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये चेतावनी भी दी थी कि कानून अपना काम करेगा और इसी को लेकर के सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विनायक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनायक, देखिए सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। कल भी हमने कई ऐसे खबरें दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी। ओमेक्स सोसाइटी मामले में जो सियासत है तेज होती हुई नजर आ रही है। जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। कल भी नोएडा प्राधिकरण का दस्ता जो है उसके आवास पर पहुंचा था और जितना भी उसने ग्रीन पार्क में अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और साथ ही साथ जो गार्डन उसने बना रखा गया था एक अपना पर्सनल तौर पर, उसको भी पूरी तरीके से वहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही साथ जो है नोएडा पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर दबिश देने का कार्य कर रही है। जो उसके ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार टीम गठित कर करके वहाँ पर जो है नोएडा पुलिस की टीम जा करके दबिश दे रही है और उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो है उत्तर प्रदेश के DGP का भी बयान इसमें सामने निकल करके आया था और उन्होंने जो है यहाँ पर जो SHO है उसको सस्पेंड किया गया था सबसे पहले, और उसके बाद में जो टीम है यहाँ पर लगाई गई थी उसके बावजूद जो 10 से 12 लोग एक लापरवाही बरतने की वजह से अंदर घुस गए थे सोसाइटी के अंदर, उसको लेकर के एक सब इंस्पेक्टर समेत तो जो है 5 को हेड कॉन्स्टेबलों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जो है इस पूरे जो घटनाक्रम है उस पर जो है प्रदेश सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए रखा हुआ है। इसी को लेकर के योगी ने अब अपने जो गृह मंत्रालय है उससे सीधे सीधे जो है तलब किया है और विस्तृत जानकारी जो है मांगी गई है। गृह विभाग जो है अब जल्द ही योगी सरकार को मुख्यमंत्री जी को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर जिन अधिकारियों को दोषी पाए जाएंगे, जिन लोगों ने श्रीकांत त्यागी की मदद करी थी, जो उसको सरकारी गनर भी दिए गए थे, उसको लेकर के जो जिन अधिकारियों ने उसका वो गनर पास किया था उन अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस मामले में जितने भी लोग उसको अभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी नोएडा पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी विनायक, देखिए श्रीकांत त्यागी कल खबर ये आई थी कि उत्तराखंड में छिपा हुआ है और नोएडा पुलिस वहां पे पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए। इसको लेकर के अभी क्या अपडेट मिल पा रही है और विपक्ष लगातार अब राज्य सरकार को घेरे में लेता हुआ नजर आ रहा है। जी, आपको बता दूं कि श्रीकांत त्यागी की जितने भी जो उसको लोकेशन मालूम पड़ रहा है वहाँ पर नोएडा पुलिस की टीमें जो हैं जाकर के दबिश देने में लगी हुई है। हालांकि नोएडा पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन देखा जाए कि इस प्रकरण को 3 दिन से ज़्यादा बीतने को लगे हुए हैं लेकिन अभी तक जो है पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सुराग जो है श्रीकांत त्यागी के पास का नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कुछ उनके परिजनों को और कुछ उसके आसपास के लोगों को जो है उन्होंने हिरासत में लिया था। कल कोर्ट में भी पेशी कराई गई थी और उसके कोर्ट ने जो है उनको 14 दिन की हिरासत में जो है भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कुछ क्लू मिलने के बाद में जल्द ही बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो जाएगी। श्रीकांत त्यागी के वकील ने जो है कल ग्रेटर नोएडा के कोर्ट में जो है अपनी बेल के लिए जमानत के लिए अर्जी डाली थी, पर वो अर्जी को हटा दिया गया है। 10 तारीख की उसको डेट दी गई है, 10 तारीख को इसमें सुनवाई होगी। देखने वाली बात होगी कि उसको वहाँ से बेल मिल पाती है कि नहीं। हालांकि जो है प्रदेश सरकार के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से हावी पड़ रहे हैं और लगातार जो है इस घटनाक्रम पर जो है योगी सरकार ने खुद अपनी नजरें बनाई रखी गई है।
तो कहीं ना कहीं जो अब देखने वाली बात होगी कब तक इसकी गिरफ्तारी होती है और कब तक पकड़ा जाता है। फिलहाल जो है नोएडा पुलिस के हाथ में अभी तक कोई भी सुराग नहीं है, लगातार जो है दबिश की जा रही है। जी चलिए शुक्रिया विनायक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है, लगातार श्रीकांत त्यागी मामले में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है।